Good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. In the last lecture, we completed exercise 6.1. Hope all those 10 questions are clear to you and you have noted down in your register. So today, let's start with a new topic, that is type of decimals. Decimal ke types ke baare mein hum discuss karenge aur compare karenge hum decimals ko. So first is equivalent decimal. जैसे हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वैसे ही हमारा है इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते थे? ऐसे फ्रैक्शंस जो सेम वैल्यू या सेम अमाउंट को डिनोट करते थे। सो व्हाट आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स? टू और मोर डेसिमल्स दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और अमाउंट आर नोन एज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। एस दो या दो से ज्यादा ऐसे डेसिमल्स जो सेम अमाउंट को डिनोट करते हैं, सेम वैल्यू को डिनोट करते हैं, वो हमारे होते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल। एग्जाम्पल इज 0.5। अगर हम 0.5 का एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम उसे लिख सकते हैं 5/10। कल हमने लर्न सीखा था उसमें, तो इट इज क्लियर कि हम उसे 5/10 लिख सकते हैं। 0.5 को 5/10, 0.4 को 4/10, 0.8 को 8/10। कैसे होता है? 0.5 अगर है तो अपॉन 1 लिख देते हैं हम, ये पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है 5/10। ऐसे आता है, तो ये हो गया 5/10। अब 5/10 जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते थे तो उनकी दो इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर और नीचे, वो 2/2, 3/3, 4/4 होते थे फ्रैक्शन के केस में। लेकिन डेसिमल मान में डिनोमिनेटर क्या होता है? या तो 10 होता है डेसिमल में डिनोमिनेटर, या फिर उसका मल्टीपल होता है 10, 100, 1000। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो 5/10 की मल्टीप्लाई अगर हम 10/10 से करेंगे तो हमारा आएगा 5 × 10 = 50 और 10 × 10 = 100। तो 50/100 हो गया। अब 50/100 को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है? जितने वन के आगे नीचे जीरो है उतनी पोजीशन से पहले पॉइंट आएगा और नीचे से हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो आ गया 0.50 आ गया। ऐसे ही 5/10 की मल्टीप्लाई हम 100/100 से करेंगे तो 5 × 100 = 500 हो जाएगा, 10 × 100 = 1000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी, देखो 500/1000 क्या करते हैं, यहां हमारे ऊपर तीन डिजिट है, वन के आगे जितने जीरो, तीन जीरो है, तीन डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.500, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो 0.5 है या 0.50 है, 0.500 है, ये डिनोट हम चाहे 5 किसी नंबर के आगे कितने भी जीरो लगा दें पॉइंट के बाद, उससे बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर जितने भी जीरो लगाए अगर बाद में कोई नंबर नहीं है तो वो सेम वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो 0.5, 0.50, 0.500 सेम वैल्यू को डिनोट करते हैं, सो दे आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स। सो दिस इज इक्विवेलेंट डेसिमल। कमिंग टू सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल, दैट इज लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन हमने डिस्कस किए थे लास्ट चैप्टर में, लाइक फ्रैक्शन वो होते थे जिनके डिनोमिनेटर सेम होते थे, यहां ऐसा नहीं है। लाइक डेसिमल्स क्या होता है? डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उन्हें हम लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2.3, 23.4, 234.5। इन तीनों को ध्यान से देखिए, 2.3 पॉइंट के बाद एक डिजिट, 23.4 पॉइंट से पहले दो, उससे मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद फिर से एक ही डिजिट, सिर्फ फोर, यहां थ्री था यहां फोर था, यहां 234.5 पॉइंट से पहले तीन डिजिट बट इसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद एक डिजिट। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, फॉर एग्जांपल यहां 1111 तीनों में है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक डेसिमल। सिमिलर वे में इसको कंसीडर करें तो हमारा है 12.45, 17.62, 121.71। तो 12.45 पॉइंट के बाद दो डिजिट, यहां पे भी पॉइंट के बाद दो डिजिट 62, यहां पे भी पॉइंट के बाद दो डिजिट। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल्स। दोज हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। नाउ वी डिस्कस अनलाइक डेसिमल्स। ये थर्ड टाइप है अनलाइक डेसिमल्स। ये क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, डेसिमल नंबर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स अगर किसी नंबर के होते हैं डेसिमल नंबर के, तो उसे हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल कंसीडर करते हैं 3.6, 36.65, 321.657। तो तीनों में देखिए, हमें डेसिमल से पहले वाले डिजिट का मतलब नहीं है, बाद में 0.6, यहां पे एक
डिजिट है सर 6। इस वाले में डेसिमल से पहले दो हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन डेसिमल के बाद भी दो हैं, या एक था या दो है। 321.657 में तीन है तो अलग होगा, ना एक या दो या तीन, तो ये अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल है। सेम ये 1.2, 1.22, 1.222, तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद तीन डिजिट। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक डेसिमल्स। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लाइक डेसिमल्स। ये लाइक डेसिमल्स के अपोजिट है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे? ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो, और लाइक डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद सेम होते हैं। तो हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया था अभी अनलाइक डेसिमल्स को, जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो 3.6, 36.65 और 321.657। तो 3.6 में एक डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, 36.65 में दो है और इस वाले में तीन है। तो ये अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल था। अब हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ा वाला है मींस जिसके पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट है, इसके हैं 321.657, तीन डिजिट है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे 321.657। तो अगर हमने इन दोनों को लाइक डेसिमल बनाना है तो इन पे भी हमें चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद तीन तीन डिजिट। तो सबसे पहले वाला देखेंगे 33.6। तो अगर 3.6 को लाइक डेसिमल बनाना है तो हमें दो डिजिट और चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो पॉइंट के बाद कोई नंबर के बाद अगर जितने भी जीरो ऐड करें, अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है तो वो हमारी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे 3.6 में हम 3.60 लिखते हैं तो भी वो वैल्यू वही रहेगी, और 3.600 लिखते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन में हमने किया थे तो भी ये वैल्यू सेम रहेगी। तो आप देखिए 3.600 होने पर ये वैल्यू में भी तीन पॉइंट के बाद तीन नंबर आ गए, तीन डिजिट आ गए और इसमें भी तीन थे, तो ये दोनों लाइक डेसिमल बन गए। अब 36.65 में हमारे पास दो डिजिट है, हमें एक और देखना है तो हम जीरो ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 3.600, ये हो गया 36.650, ये हो गया 321.657। तीनों में ही डेसिमल पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट हो गए? थ्री डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारा जो अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल था, ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो हमने डेसिमल्स को कंपेयर करना है और बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो एग्जांपल से हम कंसीडर करेंगे तीन एग्जांपल्स। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, कंपेयर 19.25 एंड 20.50। 19.25 और 20.50 को हमने कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं? होल नंबर्स। इसका होल नंबर कौन सा होता है? पॉइंट से पहले वाला नंबर। सो इन 19.25 होल नंबर इज 19, होल नंबर इज 19 एंड इन 20.50 इट इज 20। We compare the whole number part and we know that 20 is greater than 19. 20 जो है हमारा 19 से बड़ा है. So 20.50 is greater than 19.25. Very simple, बहुत ही सीधा है कि जिसका whole number बड़ा, number बड़ा. Now second part, compare 23.78 and 23.88. अब problem हो गई. दोनों के whole number same, that is 23. दोनों के whole number हुए same. Here whole number of part is same in both the numbers, that is 23. So we'll compare the decimal part. Decimal part अब हम compare करेंगे। Decimal part पे सबसे पहले हम 10th position वाला number, that is 1/10 पे जो होता है ये वाला, वो compare करेंगे। So we'll compare 10th position number. So in 23.78 we have 7 at 10th position. 23.78 में 7 है हमारा 1/10 position पे या 10th position पे, और 23.88 में हमारा 8 है 10th position पे, या फिर कह सकते हैं 1/10 position पे। तो 23.78 में 7 और 23.88 में 8. So 8 is greater than 7. ये हमें पता है 8 जो है वो 7 से बड़ा है. So 23.88 is greater than 23.78. तो हमारा 23.88 जो हुआ वो 23.78 से बड़ा हो गया. Coming to the third part, compare 32.69 and 32.62. अब हम 32.69 और 32.62 को कंपेयर करेंगे। यहां पर भी हमारे दोनों के होल नंबर सेम है, दैट इज 32 है। इसका भी 32 और ये वाला भी 32। नाउ वी विल कंपेयर
द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट कंपेयर करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम टेंथ पोजिशन कंपेयर करते हैं, मीन्स 1/10 तो वो भी हमारे ये होल नंबर सेम है 32 और 32 और यहाँ पे टेंथ पोजिशन भी सेम है हमारी, यहाँ 69 है या 62 है तो 6 और 6 टेंथ पोजिशन भी हमारी सेम हो गई. अब हम उसके आगे वाली पोजिशन दैट इज 100th पोजिशन 1/100 वाली पोजिशन पे जाएंगे तो 32.69 में 100th पोजिशन पे हमारे पास 9 है और 32.62 में भी है 2. We know 9 is greater than 2. 9 हमारा जो है वो 2 से बड़ा है. So 32.69 is greater than 32.62. 9 हमारे 2 से बड़ा हो गया इसलिए 32.69 हमारा 32.62 से बड़ा हो जाएगा. Coming to the next topic, that is conversion of decimal number into fraction. वो decimal number हमें given है उसे हम fraction में कैसे convert करेंगे, we will learn that. We'll learn it with the help of example. एक example की help से हम उसे learn करेंगे. Example है 6.8. ये एक decimal number है और हमें इसे fraction में convert करना है. So let's see, 6.8 हमारा है तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 6.8/1. बिकॉज ये डेसिमल नंबर था इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हम लिख देते हैं अपॉन वन बार लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमारा हो गया 6.8/1. अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है, ये डेसिमल पॉइंट हटाना है, इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने 1 यहां लिखा था. तो डेसिमल पॉइंट को जब हम रिमूव करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हमने पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट एट द राइट साइड जितने नंबर होंगे उतने जीरो यहां बन के आगे आ जाएंगे. 6.8 है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है 8. 6 को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट से पहले वाले किसी नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद वाला हमारा जो नंबर है उसे कंसीडर करेंगे. तो पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ एक नंबर है तो वहां पॉइंट हटाने के बाद ये पॉइंट हटा और उतने ही जीरो आ गए. एक नंबर था तो एक आए, दो नंबर होते तो दो जीरो आ जाते. तो ये हमारा 6.8 जो था वो 68/10 बन गया. ये हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म है, अगर हम आंसर यहां छोड़ दें तो गलत नहीं होगा, बट सिंप्लीफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन भी हमें आना चाहिए. तो 68/10 हमारा हो गया. 68/10 हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 5s are 10 और जब हम इसे कट करेंगे तो 2 3s are 6 2 4s are 8 हमारा आएगा 34/5. ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म है, 68/10 भी फ्रैक्शनल फॉर्म थी, 34/5 भी फ्रैक्शनल फॉर्म है, बट ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो हमने 34 को 5 से डिवाइड किया, 5 6 30 हमारा रिमाइंडर आ गया 4. तो हमारा जो क्वेश्चन आया 6 उसे एज अ होल लिखा हमने, रिमाइंडर को एज अ न्यूमरेटर और हमारा डिवाइजर को एज अ डिनोमिनेटर. तो प्रॉपर आंसर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो गया 6 होल 4/5. 6.8 का जो डेसिमल नंबर था उसका फ्रैक्शन नंबर हो गया 6 होल 4/5. सो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज हाउ विल कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. अभी हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब हम हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. एग्जांपल से ही इसे कंसीडर करेंगे. हमने हमारे पास एग्जांपल गिवन है 17/20. 17/20 गिवन है. डेसिमल के केस में क्या होता है, मैंने बताया था आपको डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर या तो 10 होता है या मल्टीपल ऑफ 10 होता है. 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, 20 10 का मल्टीपल नहीं है. तो क्या होगा इस केस में, वी विल मेक डिनोमिनेटर 10 और मल्टीपल ऑफ 10. तो इसे हम या तो 10 बनाएंगे, 10 तो बना नहीं सकते क्योंकि कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मल्टीपल ऑफ 10 बनाएंगे. सबसे क्लोज मल्टीपल कौन सा 10 का, 20 से क्लोज मल्टीपल हमारा 10 का है 100. तो हम इसको 20 को 100 बनाएंगे. तो अगर हमने 20 को 100 बनाना है तो हम 20 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 into 5 is 100. सो वी मल्टीप्लाई 20 by 5. तो 20 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई 5 से हमें करनी पड़ेगी. सो वी मल्टीप्लाई 17 with 5 also. सो 20 into 5 is 100 एंड 17 into 5 is 85. ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ. अभी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हुआ, दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन बिकॉज इसका डिनोमिनेटर या मल्टीपल ऑफ 10 दैट इज 100 है. अभी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है. क्या करते हैं, ये हमने 85 लिखा, जितने जीरो 1 के आगे डेसिमल डिनोमिनेटर में है, 100 लिखा है तो 100 में 2 जीरो है 1 के आगे, उतने ही प्लेस से पहले पॉइंट लग जाएगा. तो यहां 85 था, यहां 2 जीरो थे, तो 2 जीरो को हटाने के लिए उतने प्लेस से पहले पॉइंट लग गया, तो मींस 85 से पहले पॉइंट लग गया. ये हो गया, इसके आगे हमने 0 लगा दिया क्योंकि कोई होल नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया. ये हो गया 0.85, ये हमारा आंसर हो गया. सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.
टुडे वी लर्न अबाउट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, वी लर्न अबाउट कंपैरिजन ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन. हमने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और डेसिमल इनटू फ्रैक्शन भी सीखा. टुमारो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2. टिल देन नोट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक, इन योर रजिस्टर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन क्लियर एनी टाइम. थैंक यू. व्हाट हैव अ नाइस डे.